बाबा अभी तो वाणी में बाप दादा जब निर्मल श्याम का दादी से बात करते हैं जिन्हें पर दादी बोलते हैं अव्यक्तवाणी में, तो बाप दादा बोलते हैं कि तुम तो अपने चेहरे से ही सेवा करती हो, तुम तो अपने चेहरे से ही सेवा करती रहती हो, अपने तरह की चेहरे अपने चेहरे की सेवा करती हो। हाँ तो बाबा जैसे जो हब की पर दादी है बेसिक में निर्मल श्याम का दादी, तो उनकी शक्ल तो ब्रह्मा बाबा से मिलती है, वो तो इस तरह से सेवा कर सकती है, लेकिन जो बेहद में परदादी है तो क्या उनके चेहरे पे अव्यक्त स्टेज है जो अपने चेहरे से वो सेवा करती है? जो कम बोलता हो, जिसके ज्यादा बोलने की आदत ना हो, तो वो कैसे सेवा करता है? चेहरे से ही सेवा करता है। जिसकी बोलने की आदत कम है, ज्ञान सुनाने की आदत कम है, लेकिन चलन से दूसरों को सिखाने की आदत ज्यादा है, तो जरूर कहेंगे चेहरे की सेवा हो रही है। और बाबा मुरली में बोलते हैं कि जो प्रकृति है वो पांच तत्वों का संघात कही जाती है, तो बाबा बेहद में भी प्रकृति बताई गई और अव्यक्त वाणी में बोला कि प्रकृति अपना प्रकोप दिखा रही आने वाले, तो बाबा प्रकृति तो पृथ्वी वाली आत्मा तो खुद ही है, तो क्या बाकी चार तत्व भी उसका सहयोग देंगे? चार तत्व जो देव आत्माएं हैं वो पूरे तमो प्रधान नहीं बनते हैं। जो अष्टदेव हैं वो तमो प्रधान नहीं बनते हैं। और बड़े बाप का जब बड़ा बच्चा होगा या छोटा बच्चा होगा, बाप बड़ा तो उसके बच्चे भी बड़े शक्तिशाली होंगे, और जो बड़े बड़े शक्तिशाली हैं जब प्रकृति का सहयोग देंगे तो बड़ा विनाश करेंगे या छोटा विनाश करेंगे? बड़ा भारी विनाश कर देंगे, क्योंकि छोटे छोटों के ऊपर को लोगों को उतनी श्रद्धा नहीं होती है। जिनका नाम बहुत बाला हो गया उनके ऊपर तो भारी श्रद्धा होती है। बाबा वो चार तत्वों को प्रतिनिधित्व करने वाली आत्माएं प्रवेश करके भी पार हो जा सकती है? जब बाप प्रवेश करके पार्ट बजा सकता है तो जो फालू फादर बच्चे होंगे वो फालू फादर नहीं करेंगे, वो भी फालू फादर करेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आत्मा शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करती है, कोई इस प्रैक्टिस में आगे बढ़ जाते हैं, कोई पीछे रह जाते हैं। जो आगे बढ़ जावेंगे वो जरूर बड़ा काम करके दिखाएंगे। और बाबा जो ज्वाला में ज्योत जग रही है, जो जम्मू में ज्वाला के मंदिर में ज्योत जग रही है, उनका क्या? ज्योति किसे कहते हैं? ज्ञान की ज्योति है। कौन सी देवी है जिसको तीसरा नेत्र दिखाया जाता है? है महाकाली है, उसको ज्ञानी की ज्योति भी है। ऐसी तीक्ष्ण ज्योति है जो कोई भी मनुष्य आत्मा तो उसका मुकाबला कर ही नहीं सकती, बाप भी मुकाबला नहीं करता। क्या करता है? आराम से सो जाता है। सो जाता है या बगर्रे बनाता है? बगर्रे बनाता है। और महाकाली उसकी छाती पे पांव रख ही देती है, क्योंकि बाप जानता है काम तो मेरा ही संपन्न हो रहा है। गऊ है ना,
पहाड़ों पे जाते हैं, जीप क्यों निकालती है? गंगोत्री में जाते हैं, गंगोत्री पे जाने से ही संतुष्ट हो जाते हैं कि और भी ऊपर जाते हैं, गौमुख पर भी जाते हैं। वहां पत्थर का गौमुख बना दिया है, माने पत्थर का क्यों बना दिया है? क्योंकि पत्थर बुद्धि है, पत्थर से ज्ञान का जल निकलता है। ज्ञान सिर्फ सुनाने की चीज है, जीव से बताने की चीज है, यह धारण करने और कराने की चीज है। धारण करने की चीज है और कराने की चीज है। सिर्फ वाचा से ही अगर सेवा हुई तो वो सेवा उतनी फास्ट और उतनी तीखी सेवा नहीं कही जाती है। हाँ, परिवर्तन तो होता है, लेकिन जो परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं होता है। अभी तक भी ब्राह्मण परिवार में जो सेवा हुई है वो कर्मेंद्रियों की भागदौड़ की सेवा ज्यादा हुई है, वाचा की सेवा ज्यादा हुई है या धारणा की सेवा ज्यादा हुई है? ब्राह्मणों की धारणाओं को देख करके लोग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं या वाचा से सुनाई वाली सुनाने सुनाई जाने वाली वाणी से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं? वाणी से प्रभावित हो रहे हैं। असली परिवर्तन तो तीसरी मूर्ति, जिसे परिवर्तन शक्ति कहा जाता है, वो कही जाती है। प्रकृति जड़ तुम्हें ही कही जाती है। प्रकृति की सवारी किसके ऊपर दिखाते हैं? अरे माता की सवारी किसके ऊपर दिखाते हैं? शेर के ऊपर दिखाते हैं। जरूर कहेंगे कि शेर जानवर बुद्धि है, प्रकृति सतो प्रधान बनती है, प्रकृति तमो प्रधान भी बनती है। जब मनुष्य तमो प्रधान बनता है, मनुष्य की प्रकृति माने स्वभाव संस्कार तमो प्रधान बनते हैं, तो प्रकृति भी तमो प्रधान बन जाती है। तो तमो प्रधान प्रकृति विनाश ज्यादा करेगी या मनुष्य विनाश ज्यादा करेगा? उसको तो अकल ही नहीं है उतनी, मनुष्य को तो अकल है। अपना फायदा अपना नुकसान किस बात से होता है ये तो पहले सोचना चाहिए। तो नौ देवियां दिखाई गई हैं, उनमें अव्वल नंबर है महागौरी और लास्ट नंबर है महाकाली। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार है। असुरों और देवताओं की जब लड़ाई दिखाते हैं, जो पृथ्वी जलवायु अग्नियां हैं वो कौन से राजा के अधीन दिखाते हैं? हाँ, वायु देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता, ये किसके अधीन है? है इंद्र के अधीन दिखाते हैं। इंद्र का पार्ट किसका है?
अरे कौन डरपोक है जो डर जाता है तपस्या करते करते देख करके? है इंद्रिय है। स्वर्ग बहुत पसंद है उसे क्या? क्या पसंद है? स्वर्ग बहुत पसंद है, सुख ज्यादा पसंद है। तो जो सुख की दुनिया का अधिष्ठाता है वो इंद्र है, और वो इंद्र किसका पार्ट हुआ? ब्रह्मा बाबा का पार्ट हुआ। ब्रह्मा की सोली जब दाढ़ी मूछ वाली होती है तो उसके पूजन नहीं होता है, फिर वही सोल स्त्री चोले में प्रवेश करती है तो उसका पूजन होता है। इसलिए पांच तत्वों का प्रतिनिधित्व करने वाली वो सोल है। पृथ्वी जलवायु अग्नि पुरुष रूप में दिखाए गए हैं, लेकिन वो ब्रह्मा की सोल किसमें प्रवेश होकर पाठ बजाती है? जगदम्बा में प्रवेश होकर पाठ बजाती है। ये देवताओं की और असुरों की लड़ाई ब्राह्मणों की दुनिया में और ज्यादा आगे चल के प्रत्यक्ष होगी। सारा राज क्लियर हो जाएगा शास्त्रों का। ये बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य ऐसे नहीं मानेंगे, उनकी धारणा है भगवान भी उतारा है तो भी हम नहीं मानेंगे। कब मानेंगे? हमें शास्त्रों के आधार पर समझा दो तब मानेंगे। और बाबा ने बताया है बात कर आपने कि जब तुम बच्चों की परीक्षा होगी तो उस समय बाप तुम्हारे साथ नहीं होंगे। परीक्षा जब होती है तो क्या परीक्षक परीक्षार्थी का साथ देता है क्या? वो साथ थोड़े देता है। हाँ तो बाबा, और एक दूसरी बात आपने ये बताया कि जब बाबा गुप्त होंगे और तुम्हें बाबा के साथ रहना है, जब बाबा गुप्त होंगे, मुक्त गुप्त हो जाएंगे, गुप्त हो जाएंगे और तुम्हें बाबा के साथ रहना है तो तुम आज की लिस्ट में आ जाओ। यदि उस समय तुम्हें बाबा के साथ रहना है। क्यों? आठ के सामने गुप्त नहीं हो जाएंगे? जो आठ होंगे वो माया की चक्करी में नहीं आवेंगे? अरे माया ने प्रकृति से हाथ मिला लिया है, माया तो और ज्यादा पावरफुल हो गई, और माया से भी ज्यादा प्रकृति भयंकर है। माया विनाश नहीं कर पाती, माया बच्चों का कुछ नहीं अभी तक बिगाड़ पाई है, लेकिन प्रकृति सबको डावाडोल कर देगी माया का साथ लेकर के, क्योंकि माया बुद्धिमान है और प्रकृति पावरफुल तो है लेकिन बुद्धिमान नहीं। तो माया तो बड़ी चालाक है, वो क्या करती है? बुद्धि के बल पर प्रकृति को अपनी मुट्ठी में ले लेती है। दो हाथ मिलाने वाले हों और एक हाथ मजबूत हो और एक हाथ लुंजुम पुंजुम हो तो कौन किसको कंट्रोल में करेगा? है जो पावरफुल होगा, सर्वशक्तिमान का टाइटल वाला होगा, वो कमजोर को अपने तरीके से चलावेगा। तो यही होने वाला है, तब फाइनल पेपर होगा। तो ऐसे नहीं कि अष्टदेव चंबे में नहीं आते हैं, वो भी चंबे में आते हैं। उनको चलाने वाली जो त्रिदेवों की मूर्तियां कही जाती हैं,
ऊंचे से ऊंचे पाटधारी कौन है? है तीन देवताएं। वो तीन देवताएं भी नंबरवार हैं। चित्र में क्या दिखाया है? नीचे ब्रह्मा, ब्रह्मापुरी, बीच में विष्णुपुरी और सबसे ऊपर शंकरपुरी। तो माया किसी को छोड़ती है क्या? है शंकर जी को छोड़ देगी? छोड़ देगी नहीं? तो भक्ति मार्ग में कैसे कैसे गीत गाती है माताएं, हैं? माया नजरिया मार गई रे, ब्रह्मा को मारी गए काम से, विष्णु को मारी वो भी गए काम से, शंकर की दाढ़ी हिलाई गई रे। ब्रह्मा और विष्णु अष्ट देवों की लिस्ट में नहीं आते क्या? जो वैष्णवी शक्ति के रूप में पाठ बजाने वाली आत्मा है वो भी अष्ट देवों की लिस्ट में नहीं आ पाती। ऐसी माया नजरिया मारती है वो भी धराशायी हो जाते। शंकर जी की वो छोड़ नहीं देती है, क्या करती है? अच्छा तुम मरोगे नहीं, क्या तुम्हारी दाढ़ी फैला दे कम से कम, क्योंकि उनको तो अष्ट देवों की लिस्ट में आना है, तो जल्दी तो हार मानने वाले है नहीं। तो ब्रह्मा की सोल जगदम्बा में प्रवेश करती है, मां काली के रूप में पार्ट बजाती है, पृथ्वी तत्व जो है वो भी ब्रह्मा के कंट्रोल में, अग्नि देवता भी ब्रह्मा के कंट्रोल में, वायु देवता भी कंट्रोल में, वरुण देवता भी कंट्रोल में। ऐसे नहीं कि गंगा जी कंट्रोल में नहीं आएंगे, भले उन्होंने सतो प्रधान स्टेज में ज्ञान सुना है, संन्यास धर्म की मुखिया है, झाड़ के चित्र में कौन सी जड़ बड़ी पावरफुल दिखाई गई है? मोटी सी, संन्यास धर्म। बाबा ने भी बोला है ये सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। तो वो संन्यास धर्म की आत्मा है और उनके मुखिया वो भी कंट्रोल में आ जाते हैं। तब कहा जाता है तब खास सिखों में पंजाबियों में गायन है क्या? राज करेगा खालसा। और बाबा शेषनाग हैं, पांच मुख वाले शेषनाग हैं। शेषनाग काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये नाग नहीं है तो क्या है? है नाग है। राम लक्ष्मण का रामायण में जो पार्ट दिखाया है उसमें लक्ष्मणों को किस रूप में दिखाया है? शेषनाग के रूप में दिखाया है। राम है विष्णु का रूप, और उसके साथ रह करके रक्षण करने वाला छत्रछाया के रूप में कौन रहता है साथ साथ? शेषनाग। महाभारत भागवत में भी कृष्ण के साथ किसको दिखाया है? भगवान का पार्ट के रूप में तो दिखा दिया,
लेकिन उनके लिए भी रक्षा करने वाला दिखाया है। कौन? बलराम। और मुस्लिम धर्म में अल्लाह ताला क्या कहते हैं? अल्लाह ताला अल्लाह ताला बोलते हैं। ये समझने की बात है, अल्लाह ताला हिंदुओं में बोलते हैं जो हिंदू देवता बनते हैं, या इस्लामी मुसलमान में बोलते हैं? इस्लामी मुसलमान में बोलते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आया, दादा लेखराज के तन में, जो हिंदू धर्म की पक्की आत्माएं थी उनकी नजर सुप्रीम सोल ज्योतिबिंदु के ऊपर जाती थी या ब्रह्मा के चेहरे में और पर जाती थी? है सुप्रीम सोल को पकड़ करती थी उनकी बुद्धि, और जो मुसलमान धर्म में जाने वाली आत्माएं थी उनको कौन दिखाई पड़ता था? ब्रह्मा बाबा दिखाई पड़ता था, वो देहधारी को पकड़ती थी। ऐसे ही एडवांस में शिव बाप आते हैं, बाप टीचर सदगुरु का पार्ट बजाते हैं, तो जो देवी देवता सनातन धर्म की पक्की बीज रूप आत्माएं हैं और उनके फॉलोअर्स हैं, वो साकार को देखते हैं या निराकार के पार्ट को देखते हैं? जो भी वाक्य बोले जाते हैं वो उस निराकार आत्मा के वाक्य डायरेक्शन से समझते हैं या साकार के डायरेक्शन समझते हैं? निराकार के। और जो इस्लाम धर्म मुसलमान धर्म की आत्माएं होंगी वो किसको देखेंगी? वो साकार को देखेंगी। जो भक्ति मार्ग चलाने वाले हैं वो तो भक्ति मार्ग ही चलाएंगे ना, भक्ति मार्ग का बीज डालेंगे ना। भक्ति मार्ग चलाने वालों में पहला पहला धर्म पिता कौन आया? है? अरे इस्लामी ही आए। तो वो देखते हैं ताला खोलने वाले को या ताला लगाने वाले को? किसको देखते हैं? वो ताला लगाने वाले को देखते हैं, इसलिए कहते हैं अल्लाह ताला। वो ऊंचते ऊंच पार्टधारी तो है लेकिन ताला लगाने वाला है, बुद्धि को ताला लग जाता है। लेकिन विधर्मियों की बुद्धि को ताला लगता है? उन्हीं की बुद्धि को ताला लगता है जिनकी बुद्धि को 5000 साल पहले ताला लगा था, जिन आत्माओं ने कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्म वालों का सहयोग दिया, साथ दिया और भारतवासियों को धोखा दिया, उन्हीं की बुद्धि को ताला लगता है। वो शूटिंग अभी हो रही है, मुख से कहते नहीं है लेकिन एक्ट ऐसी करते हैं, उनकी बुद्धि में वो देहधारी बसा हुआ रहता है। इसलिए भक्ति मार्ग में गीत भी गाए हुए हैं। क्या गीत गाए हैं? है? राम के भक्त रहीम के बंदे हैं ये सब आंखों के अंधे, जो देहधारियों को दोधारी को देखते हैं। देखना चाहिए साकार में निराकार को। और पहले तो राम मंदिर ही बनना चाहिए था, पहले तो राम मंदिर ही था उसके ऊपर ही बाबरी मस्जिद बनाई। हाँ ठीक है, भारतवर्ष किसका घर? मंदिर माने घर, किसका घर है?
राम का घर है, लेकिन भारतवर्ष में ड्रामा प्लेन अनुसार जब कलयुग सतो प्रधान स्टेज से उतर करके सतो सामान्य स्टेज में आता है, गिरता है, गिरती कला में आता है, तो राम का राज्य चलना चाहिए या उसके ऊपर बाबरी मस्जिद हो जानी चाहिए तैनात? बाबरी माने पगलिया, कौन पगलिया, वो उसके ऊपर कब्जा करके बैठ जाती है। तो ड्रामा प्लान अनुसार होता है या बिना ड्रामा प्लान अनुसार हो गया? है ड्रामा प्लान अनुसार हुआ। तो बाबा हम क्या बाबरी मस्जिद बनवाया गया था? नाम बाबरी मस्जिद क्यों पड़ा? मुगल सल्तनत में, मुगल राज्य में पहला बीज बोने वाला मुगल सल्तनत का कौन सा राजा हुआ? बाबर। तो बाबर के नाम पर वो पहली बाबरी मस्जिद बन गई। तो गिर करके राम वाला सोल नहीं, जब बाबर बना तो उसको बाबरी मस्जिद बनवा दिया। आपसे पूछा जाए अभी, क्योंकि अभी आप ज्ञानी कहते हैं अपने को, तो जो ज्ञानी आत्माएं हैं वो मंदिरों में बैठ करके बुतों की पूजा करें, उनको ज्ञानी कहेंगे कि अज्ञानी कहेंगे? तो बाबर ज्ञानी हुआ या अज्ञानी हुआ? है? उसने सारी मूर्तियां तोड़वाई। ये तो अंधश्रद्धा सिखाते हो, अंधश्रद्धा में चलते हो। भगवान कोई पत्थर नहीं होता है, पत्थरों में भगवान नहीं होता है, देवताएं कोई पत्थर में नहीं होते हैं। तो ज्ञानी बुद्धि था, अज्ञानी था? हा? हमारे मुकाबले बाबर ज्ञानी बुद्धि था हिंदुओं के मुकाबले या अज्ञानी बुद्धि था? ज्ञानी बुद्धि था, उसने तो सही काम करवाया। तो बात मस्जिद में कौन से भगवान है? मंदिर को तो करवा दिया, और मस्जिद बनवा दिया, मस्जिद में कौन से भगवान है? उससे तो अच्छा वो ही भगवान है जो मिस, जिसके पीछे तुम 63 जन्म से पढ़ते चले आए, मिस को देखा और बुद्धि मिस हो गई, तो तुम्हारा भगवान कौन हुआ? अरे अरे कोई भी मिस सामने आई, मिस आई सामने और बुद्धि मिस हो गई, तो तुम्हारा भगवान कौन हुआ? और वो भी जिद्दी, साधारण मिस नहीं, बड़ी जिद्दी। कोई भी हालात में सच्चाई को मानेगी ही नहीं। कुमार का दादी ने क्या पाठ बजाया? जिद्दी का पाठ बजाया है, हठ योगी का पाठ बजाया, या सहज सहज सच्चाई को मान लिया है? मरते दम तक नहीं माना। शरीर छूटने के बाद जब संदेशी में आकर के बोला है तो बताया कि अब मैं सच्चाई समझ गई हूं। जीते जी नहीं समझे? जीते जी नहीं समझे? जीते जी नहीं समझे? बाबा जीते जी समझ तो गई, मानने को तैयार नहीं। वही बात, गांधारी अंधी थी, ये जानबूझ करके पट्टी बांधी थी, जानबूझ करके अंधी थी। रावण को फॉलो करने वाली मंदोदरी होती है, गांधारी अंधी थी नहीं, क्या आलो करने वाली थी धृतराष्ट्र को। 60 साल से तो इसका फैसला सुनाया नहीं है। हैं? 60 साल से तो मस्जिद को बारे में इसका मंदिर का फैसला सुनाया नहीं है। हाँ सुनाएंगे? सुनाएंगे सुनाएंगे लटकाया हुआ है। कलयुग के अंत में जो निर्णायक जज होते हैं
वो तमो प्रधान होते हैं या सतो प्रधान होते हैं? तो तमो प्रधान का फैसला भी कैसा होगा? इसलिए डरते भी हैं क्या कि फैसला सुनाए या न सुनाए। अच्छा अभी ज्यादा कंपन का वायुमंडल बन रहा है, अच्छा थोड़ा आगे चल के सुनाएंगे। बाबा ये 18 लिस्ट तो सुना देंगे है? 18 के बाद तो सुना देंगे, लोगों में सच्चाई का कुछ पावर आ जाएगा करने। बाबा कोई ज्योतिषी नहीं है, बाबा से मत पूछो। बाबा ये जो बताया ना कि प्रकृति को माया जो है उसको कंट्रोल कर लिया है, और जो शंकर जी कंट्रोल नहीं कर लिया है, हाथ मिला लिया है, दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। तो माया जो है वो किसके लिए कह रहे है? बाबा जो है माया वो किसके लिए कह रहे हैं? बीज रूप में भी बीज रूप माया है क्या? वो बड़ी है या छोटी है? बड़ी है। वो बड़ी बहन है तो प्रकृति छोटी बहन है, और आधार मूर्तों में भी माया है तो वो तो क्लियर हो गया। आधार मूर्तों में माया कौन है? क्लियर हो गया। और माने बाबा इस्लाम धर्म के बीज है? इस्लाम धर्म में जो बीज होते हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, कोई पुरुष चोलाधारी भी हैं तो कोई स्त्री चोलाधारी भी हैं। और आत्मा जब डाउन होती है, डाउन स्थिति अनुभव होती है, तब पुरुषार्थ की दो रोटी खाए ऐसा बात। पुरुषार्थ की दो रोटी खाए, पुरुषार्थ की दो रोटी खाए, उसका क्या मतलब? इसका क्या मतलब है? अरे जब अवस्था गिर जाएगी तो चोरी की रोटी खाएंगे या मेहनत करके खाएंगे? है चोरी की खाएंगे तो और बुद्धि गिरेगी, पुरुषार्थ डाउन होगा कि ऊंचा उठेगा? तो झूठ क्यों बोलते हैं? पुरुषार्थ की रोटी खाएंगे तो अवस्था ऊंची उठेगी, और चोरी चकारी का माल खाएंगे खाते रहेंगे तो अवस्था और ही नीचे गिरती रहेगी। तो ठीक तो कहा, गलत क्या कहा? और बाबा पिछले वर्ष जो अभ्यक्त वाणियां चली उसके अंदर जब बाप दादा निम्न को शांतामणि दादी से बात करते थे तो उनको बोलते थे कि शांतामणि तुम आदिरतन हो, तो बाबा इससे एडवांस की दुनिया की ओर किसी पाठधारी की ओर संकेत किया गया कि वो आदिरतन। बाबा हद में बोलते हैं बेहद में बोलते हैं? ब्राह्मणों की दुनिया में हद के ब्राह्मण भी हैं कि बेहद के भी हैं? है हद के भी हैं तो बेहद के भी हैं, लेकिन बाबा की नजर किसके ऊपर रहती है? बाबा किसको इमर्ज करके बोलते हैं? बेहद के बच्चों को इमर्ज करके बोलते हैं। और बाबा बेहद में शांतामणि दादी को समझने के लिए क्या पॉइंट होगा? क्या पॉइंट होगा? क्या पॉइंट? माने क्या पुरुषार्थ होगा? नष्टो मोह स्मृति लब्ध, न मेरे कोई अम्मा है, न मेरे कोई बाप है, न मेरा कोई घर है, न मेरे कोई भैया है, न कोई भतीजे है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। ज्ञान में आने के बाद उनके जीवन का लक्ष्य नष्टो मोह होने का दिखाई देगा या मोह ममता में लिपटे रहने का दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा? हा? उनका पुरुषार्थी जीवन स्पष्ट दिखाई देगा कि ज्ञान में आने मात्र से ही, बाप को पहचानने मात्र से ही वो जैसे कि सारी दुनिया को
भूल जाते हैं, कोई कनेक्शन नहीं। प्रैक्टिकल में देखने में आवेगा, कनेक्शन रहे तो ठीक, न रहे तो भी ठीक। बाबा आदि देव आदि देवी को एक बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? सभी धर्मों में तो आदम और एडम को माना है, लेकिन बौद्ध धर्म वाले महात्मा बुद्ध को ही मानते हैं, उससे आदि को वो कुछ मानते ही नहीं। उससे पहले कोई हुआ है वो नहीं मानते, लेकिन उनकी जो बीज रूप आत्मा है वो उनके लिए आदि। हाँ, बुद्ध की भी जो बीज रूप आत्मा है वो उनके लिए आदि है, और वो बीज रूप आत्मा के लिए आदि है आदि देव। तो उसका बाबा जो बुद्ध का जो बीज रूप आत्मा है उसको बुद्धों ने क्या उच्चारण किया है? क्या उच्चारण किया? क्या नाम किया? क्या नाम रखा? जैसे आदि देव आदि नाथ, जैसे देवता धर्म में नाम क्या दिया है भगवान का? शंकर नाम दिया है, पार्वती नाम दिया है, राम नाम दिया है, सीता नाम दिया है, कृष्ण नाम दिया है, राधा नाम दिया है। ऐसे ही उनमें भी महात्मा बुद्ध का जो रूप दिया है वो महात्मा बुद्ध का रूप साकार रूप है, और उसमें जो आत्मा है जो प्रवेश करने वाली, जो संगम युग में प्रवेश करके धर्म पिताओं की बुद्धि को भी क्या करेगी, घुमाई देगी, वो आत्मा वो काम करती है। उनकी पहुंच वहीं तक है, इसलिए ब्रह्मा से चार पुत्रों की उत्पत्ति मानी गई है। वो चारों चार धर्म के बीज हैं, पूर्वज हैं। जैसे कि वास्तव में असली पूर्वज तो एक ही है, वो जो तीन है वो तो पूर्वज नहीं है। जो पूर्वज होते हैं उनकी बुद्धि ज्यादा शुद्ध होगी या बाद में पैदा होते हैं? पूर्व में पैदा नहीं होते हैं, जमाने जन्म लेने वाले, उनकी बुद्धि ज्यादा तीक्ष्ण होती है। जो पहले जन्म लेते हैं पूर्वज, तो जो तीन विधर्मी बीज हैं ब्रह्मा के मुख से उत्पत्ति लेने वाले, जन्म लेने वाले, उनकी बुद्धि ज्यादा तीक्ष्ण हुई या उनको भी कोई से जन्म मिला होगा? उनको भी कोई से जन्म मिला, क्योंकि चार में नहीं परमात्मा प्रवेश करता है, एक में ही प्रवेश करता है। तो एक ही पूर्वज है असली, बाकी बौद्धियों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, इस्लामियों के लिए, उनकी बुद्धि की जहां तक पहुंच है वो ही उनके लिए पूर्वज है। और जो भाई बहन जो आत्मा एडवांस जन्म आने के बाद भक्ति करने के बाद भी शरीर छोड़ रहे हैं, उनका क्या काम? उनका भक्ति मार्ग का कोई ऐसा भक्ति मार्ग का संस्कार है जो 100% की स्टेज पर पहुंच गया है, इसलिए उनको शरीर छोड़ना अनिवार्य है। जो भक्ति मार्ग नहीं छोड़ सकेंगे और फाइनल पेपर पूरा हो जाएगा तो क्या उनका हश्र होगा? उनको जरूर शरीर छोड़ना पड़ेगा। हाँ, शरीर छोड़ने के बाद उनका नेक्स्ट क्या करेगा? फिर जन्म लेंगे, ज्ञान में आएंगे, फिर ज्ञान में आएंगे। ब्राह्मण जन्म का जो पुरुषार्थ है वो कभी नष्ट हो जाता है क्या? नहीं, दोबारा जन्म लेंगे तो तीक्ष्ण ज्ञानी बनेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें, क्योंकि यहाँ एडवांस में लक्ष्य ही दिया जाता है क्या? नहीं, कि शरीर रहते रहते उस स्टेज को प्राप्त करना जो जीवन मुक्ति की सच्ची स्टेज है।
जीवन रहते रहते प्राप्त किया तो जैसे डायरेक्ट बाप से वर्षा लेने वाले हुए, नहीं तो विधर्मियों की लिस्ट में हो गए। बर्फ में दबने के बाद ज्यों का त्यों रहता है, जो सरांद है वो पानी बन करके बह जाती है, जो असली तत्व है वो रह जाता है। फिर जब बर्फ हटेगी तब परिवर्तन होना शुरू होगा, बाहर के सत्व प्रधान माहौल को पकड़ करके। फ्रीज में जैसी चीज रखी जाती है वैसी ही रहती है, यह परिवर्तन हो जाता है वैसी रहती है। हाँ, सड़ा हुआ आलू रख दो, आधा सड़ा हुआ आधा अच्छा, जो सड़ांद वाला है वो पानी बह करके बह जाएगा, जो अच्छा तत्व होगा वो बना रहेगा। तो योग बल के आधार पर जितना जितना जिसने जिसने अपने पांच तत्वों को सात्विक बनाया है वो तत्व उनका बना रहेगा। बाकी बर्फ से निकलने के बाद बाहरी सत्व प्रधान माहौल के संसर्ग संपर्क में आने के बाद फिर कंचन काया बनेगी। और जब दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा तो गीता का वन कौन, उसको साबित करने के लिए बाबा स्वयं ही है, मतलब दिल्ली में जो केस जाएगा ना गीता का वन कौन, तो सुप्रीम कोर्ट में बाबा स्वयं उसको मतलब साबित करने के लिए स्वयं जाएंगे। क्यों, सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की बात सुनी जाती है या मुवक्किल की बात सुनी जाती है? बाबा ने कहा अंत में बढ़िया बढ़िया वकील निकलेंगे, अच्छे वकील निकलेंगे, जिनकी बुद्धि में बैठा होगा कि गीता का भगवान निराकारी स्टेज वाला होना चाहिए, साकार नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट में तो बड़ी भारी भीड़ लगी हुई होगी कि थोड़े लोग होंगे, टीवी पर दिखाया जाता हो जा रहा होगा, तो हुजूम के बीच में बाप आते हैं क्या? है नहीं, बाप तो थोड़े बच्चों के सामने पढ़ाई पढ़ाते, 100, 200, 400, 500। तो 18 की बात की बात है क्या? जो ज्ञान का मुख्य पॉइंट है, जिसके आधार पर सारा अज्ञान फैला हुआ है, वो है कौन सा? गीता का भगवान। वो सर्वव्यापी है या एक व्यापी है? जो एक व्यापी है वो ही गीता का भगवान है। तो कब प्रत्यक्ष होगा वो? 18 से पहले। संसार के सामने, जिनके सामने प्रत्यक्ष होगा सबके मुख से निकलेगा हमारा बाप आ गया, सबका बाप आ गया, सिर्फ देवात्माओं का ही नहीं सब धर्म वालों का बाप आ गया, सबकी बुद्धि में बैठेगा, सब सच्चाई को स्वीकार करेंगे, बाकी नंबर वार स्वीकार करेंगे। बाबा सुखमणी साहब में ना शुरू में चार शब्द आते हैं, सुखमणी साहब में शुरू में चार शब्द आते हैं, आद गोरे नमो, जुगाद गोरे नमो, सदगुरे नमो और श्री गुरुदेव नमो, ये कौन कौन से गुरु जिनको नमो? सुखमणी में पहला मुख्य लक्ष्य क्या है? मन को क्या हो? सुख हो। तो मन को सुख देने वाला है कौन? बाकी तो सब दुनिया में क्या है? दुख देने वाले हैं। उस एक के लिए चारों शब्द बोले गए हैं। और है जो वकील मतलब साबित करेगा, है जो वकील साबित करेगा ना गीता का वन कौन है,
तो बाबा जी बच्चा होगा। अच्छा बच्चा होगा नहीं, ज्ञान होगा तभी तो, मतलब ज्ञान बुद्धि में ज्ञान होगा तभी तो बता सकता ना। माने रावण का बच्चा भगवान को प्रत्यक्ष करेगा? जो बाबा का बच्चा होगा वही भगवान बाप को प्रत्यक्ष करेगा। बाबा ये भाई के कहने का मतलब बाबा का ही बच्चा वो ला करके क्या वहाँ खड़ा होगा? हाँ, जैसे मन जैसे ज्ञान में जैसे चल रहा है। हाँ, चल रहा है नहीं, लास्ट में आने वाले फास्ट चले जाएंगे। जो पहले पहले आने वालों ने जो काम नहीं करके दिखाया वो लास्ट में आने वाले काम करके दिखाएंगे। तो इनके कहने का मतलब कि ज्ञान भी है और लाभ भी कर लिया है। हाँ? दोनों है, लौकिक दुनिया की भी पढ़ाई है और अलौकिक दुनिया का भी पढ़ाई है। तो वो जैसे जज बनकर गीता को भगवान साबित करेगा क्या? जब बाप का पार्ट ऐसा हो सकता है कि लौकिक दुनिया की भी पढ़ाई पढ़े और अलौकिक दुनिया की भी पढ़ाई पढ़े तो बच्चे नहीं हो सकते? बाबा जो साबित करेगा वो बच्चा होगा या बच्ची होगी? ये बड़ी समस्या है। क्या हमें किस रूप में देखना चाहते हैं, बच्ची होगी कि बच्चा होगा? हमारे लिए एक खास समस्या है। अब आप जिस रूप में देखना चाहते हो। हाँ, और और बाबा त्रिमूर्ति का प्रश्न है कि तीनों मूर्तियों के अलग अलग रंग के बाल हैं, ब्रह्मा के सफेद हैं, विष्णु के काले और शंकर के सुनहरी। हैं? शंकर के सुनहरी सुनहरी। अच्छा है? है? पीछे में कौन चला है? हाँ, इसका बेहद में क्या मतलब? हाँ, सुनहरी दुनिया कौन सी है? हैं? उसका ज्ञान ही सुनहरा होगा। उस ज्ञान में, ज्ञान की जटाओं में क्या भरा होगा? है, सच्चाई भरी होगी, सोना भरा होगा, सुनहरी दुनिया भरी होगी। और विष्णु है काले बाल हैं। काले बाल का मतलब क्या हुआ? काले बाल का मतलब है पक्का पक्का नौजवान है। जो नौजवान होता है उसके बाल कैसे होते हैं? एकदम काले। है क्या है? ब्रह्मा विष्णु शंकर वो आर्टिफिशियल हुए गए क्या? है, वो तो आपकी औलाद होंगे, आप संकल्प कर रहे हैं ऐसा है। हाँ, तो जो काले बाल हैं वो है एकदम नौजवान की याद। और नौजवान पक्का वही होता है जो शादी से पहले बिल्कुल पवित्र हो। क्या? शादी से पहले एकदम पवित्र हो। तो त्रिमूर्ति में कौन सी आत्मा है जो शादी से पहले एकदम काले वालों वाली है? है, वैष्णवी शक्ति, वो ही काले वालों वाली है। तो वो नौजवान हुई। और ब्रह्मा बूढ़ी माताएं कहती हैं हमारी तो बुद्धि काम ही नहीं करती, हमारी बुद्धि में ज्यादा ज्ञान नहीं बैठता, बस मैं आत्मा, मेरा बाप आत्मा, ज्यादा डिटेल में हमें जाने की दरकार नहीं। तो बाबा कहते अच्छा तुम शिव बाबा को याद करो, इतना ही काफी है। और एक प्रश्न और है, गीता के स्वयंवर में परशुराम को बहुत क्रोधित दिखाया, क्यों? राम के स्वयंवर में? हाँ, सीता के स्वयंवर में परशुराम को बहुत क्रोधी दिखाया। परशुराम 16 कला संपूर्ण थे या 16 के चौथाई संपूर्ण थे? हैं? चौथाई संपूर्ण थे। तो जो चार हैं ब्रह्मा के चार बीज रूप वत्स, उनमें ज्यादा तमो प्रधान कौन सा हुआ? है,
ज्यादा तमो प्रधान कौन हुआ? क्रिश्चियन के जो बीज है वो ही ज्यादा तमो प्रधान हुआ। वो जो तामसी वृत्ति है वो क्रोध की वृत्ति है, किसका नाश करता है? है बुद्धि का नाश नहीं। परशुराम किसका नाश करता है? क्षत्रियों का नाश करता है, राजाओं का नाश करता है। राजा का नाश करने वाला है परशुराम, और शिव बाबा क्या करते हैं? है? बाबा तो राजा ही स्थापन करता है, क्षत्रियों को थमाए देता है। तो जो शिव बाबा जिसके द्वारा कार्य करता है वो शिव बाबा कहा जाता है। वो सोलह कला संपूर्ण राजाई स्थापन करने वाला है, जो संसार से राजाई का नाश कर देता है वो कौन सा धर्म है? क्रिश्चियन धर्म में भी कौन सा हिस्सा? नास्तिक वर्ग। जो रशियंस हैं उन्होंने दुनिया से राजाओं का खात्मा कर दिया, कत्लेआम करवा दिया। आज सारी दुनिया में राजाएं खत्म हो गए। नेपाल में राजाई चल रही थी, वो भी खत्म हो गई। राजाओं को खत्म किया, उस शक्ति को नाम रख दिया है परशुराम। ऐसा बुद्धि का स्पर्श किया, सारी दुनिया की बुद्धि ऐसी स्पर्श हुई, ऐसी उनसे प्रभावित हुई कि जो शिव बाबा की असली रचना है राजाएं, उनको नष्ट कर दिया। इसलिए चार कला का संपूर्ण स्टेज दिखाई गई है परशुराम की। बहुत क्रोधी थे, हर धर्म में जो भी श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं वो पहले आने वाली होती हैं या बाद में आती हैं? वो सात्विक स्टेज वाली होती है। लेकिन कितना भी सात्विक स्टेज हो, बारह कला का तामसी स्टेज उनमें समाई हुई है। चार कलाएं लेकर के शुद्ध हुई संसार में आते हैं। तो सच्चाई से दूर हुए या नजदीक हुए? दूर हो गए। और सोलह कला एक धर्म के अंदर हुई। नारायण चार चार कलाएं कटती गई, जैसे चार कला नर से नारायण डायरेक्ट जो बनते हैं। चार कला अगले धर्म में होती है, इस्लाम में उसे चार कला बुद्ध में फिर अंत में हो सकती है। और पावक में तुम करो निवासा, तो जो मुकरतन है ना उसमें ये शिव आती है, वो मुकरतन के द्वारा पाचा के द्वारा प्रैक्टिकल बोलते हैं लक्ष्मी वाली आत्मा से कि तुम पावक में करो निवासा। पावक कहते हैं अग्नि को, अर्थात योग अग्नि में निवास करो। काय में निवास करो? योग अग्नि में निवास करो। तो किससे कहा? जो अव्वल नंबर सीता है उसको कहा गया योग अग्नि में निवास करो। वो अव्वल नंबर सीता राम के कनेक्शन में होगी जो कहेगा, या और धर्म वालों के कनेक्शन में होगी? एडवांस पार्टी में जो अव्वल नंबर सीता होती है वो साकार कनेक्शन में होती है? होती है, आना क्यों नहीं करते? वो बात ही उस समय की कर रहा है।
प्रश्न है कि तुम पावक में करो निवासा, ये शिव बाबा ने डायरेक्ट सीता को कहा या किसी और ने कहा, लक्ष्मण ने कहा? डायरेक्ट शिव बाबा ने राम ने सीता को कहा। कौन से सन से बाप का पाठ शुरू होता है? तो 76 से साकार कनेक्शन में होती है, है? तो तुमने कैसे कह दिया बाबा ये तो महावाक्य है। क्या महावाक्य? करो निवास, ये भक्ति मार्ग का महावाक्य है, और वो भी लक्ष्मण के द्वारा कहा हुआ है कि राम के द्वारा कहा हुआ है? पता नहीं तुम्हें, आप पता कर लो। हाँ नहीं माता जी, बाबा जैसे जो राम हरि आत्मा है वो देवी देवता सनातन धर्म का बीज रूप आत्मा है, तो मुरली में बाबा ऐसे बोलते हैं कि जो राम है उसका राज्य तो यानी सबसे पहला उसका पालन होता है उसकी पत्नी स्वयं सीता ही बननी चाहिए। बिल्कुल। तो बाबा जैसे सत्युग नारायण दूसरे नंबर से लेके आठवें नंबर सत्य नारायण है जो खुद द्वापर युग में अपने अपने धर्म स्थापित करने के लिए बनते हैं, तो बाबा उनकी पहली फॉलोअर उनकी सत्युगी नारायणिया बनती है? पहली फॉलोअर सत्युगी नारायणिया बनती है? सत्युग की नारायणिया, अरे नारायण की नारायणी होगी या बीज रूपात्मा की नारायणी होगी? है नारायण की नारायणी होगी, और नारायणों का तो गायन भी नहीं है। नारायणों का गायन देवताओं के रूप में है या ऋषियों मुनियों के रूप में है? सप्त ऋषियों का गायन है या सत्युग के सात नारायणों का गायन है? उन सात नारायणों की पूजा होती है, है? होती है, उनकी तो पूजा भी नहीं होती, वो तो धोखेबाज हो गए। जो धोखेबाज होते हैं उनकी पूजा होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। हाँ सप्त ऋषि हैं, ज्ञान में तीखे हैं, तपस्वी अच्छे हैं, बाकी हैं तो धोखेबाज। नारायण जो है उन्हीं की सप्त ऋषियों के रूप में पूजा होती है। पूजा कहाँ होती है ऋषियों की? हाँ जी, हाँ उनकी मंदिर बना के पूजा थोड़ी ही होती है। और बाबा जगन्नाथपुरी में तीन रथ निकलते हैं, जगन्नाथपुरी में तीन रथ होते हैं ना, वो निकलते हैं। हाँ तो पहला तो जगन्नाथ का, हाँ वो भी अष्टदेव का मढ़ता है। हाँ? दूसरा कुबेर, वो भी अष्टदेव का। दूसरा कुबेर का रथ, हाँ ठीक है। और जो तीसरा जो निकलता है, हाँ वो भी अष्टदेव में है। कहाँ है अष्टदेव में? काल वो काल भद्र है, वो बुद्ध है, और तीसरा एक रथ बलभद्र। बलभद्र हाँ, वो बलभद्र तीसरा मणका कहाँ है अष्टदेवों का? थर्ड क्लास को कैसे तीसरा मणका कहेंगे? वो तो छत्र छाया मुआफिक काम करने वाला है ना। राम की राजगद्दी में छत्र लेकर किसको दिखाया है? हाँ लक्ष्मण को दिखाया है। लक्ष्मण वाली आत्मा कौन से धर्म का बीज है? बौद्ध धर्म का बीज है। और तो जो छत्र दिखाएगा, छत्र छाया में रखेगा, छाया में रखने की सेवा करेगा, वो दास दासी हुआ या राजा हुआ? तो दास दासी की लिस्ट में आ गया। अष्टदेव दास दासियों की लिस्ट में होंगे बस।